हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप खुद से अपना फ्लाइट का बोर्डिंग पास बना सकते हैं, वेब चेक इन कर सकते हैं, सीट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो मेरा इसी टॉपिक पर है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद से फ्लाइट का बोर्डिंग पास या वेब चेक इन नहीं कर पाते हैं, सो आप इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं। आप कोई भी फ्लाइट, चाहे वो आपका स्पाइस जेट हो, वो इंडिगो हो या गो एयर हो, कोई भी फ्लाइट का आप वेब चेक इन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए, मैं भी आपको मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही आपको दिखाने वाला हूँ वेब चेक इन करके। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहे। तो जैसे कि मैं गूगल क्रोम ओपन कर चुका हूँ, ऐसे ही आपको भी गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन होते ही आपको वेब चेक इन इन इंडिगो, जैसे कि आपको अगर स्पाइस जेट करना है तो स्पाइस जेट, गो एयर करना है तो गो एयर करके कर देना है। वैसे आप देख पा रहे हैं वेब चेक इन विद सीट सिलेक्शन एंड बोर्डिंग पास या हाउ टू चेक इन प्रिंट बोर्डिंग पास, दोनों पास किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हो। मैं पहले वाला पे क्लिक कर देता हूँ, वेब चेक इन इन वेब सिलेक्शन बोर्डिंग पास। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे वेब चेक इन पीएनआर नंबर शो हो रहा है। पीएनआर नंबर आपका जो भी टिकट का है, पीएनआर नंबर दे सकते हैं और ईमेल आईडी या आपका अपना लास्ट नेम डाल के आप इसको चेक इन के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं क्लिक कर चुका हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने अभी पेज ओपन होने वाला है और लगभग मेरा पेज ओपन होने ही वाला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा पेज ओपन हो चुका है। नेक्स्ट पेज में आपको देख पा रहे हैं पैसेंजर का सारा डिटेल्स दिया हुआ है, मतलब कहां से कहां जा रहा है, किस डेट में जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए वहां पे एडिटिंग दिया हुआ है, सीट पे अपना एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप चेक इन करना है आपको, तो आप चेक इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चेक इन ऑप्शन में क्लिक कर चुका हूँ बोर्डिंग पास बनाने के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा चेक इन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आया है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन आया है तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और अपना ईमेल आईडी देना है और आपका अपना एड्रेस देना है, बस यही सब देना होता है वे बोर्डिंग पास बनाने के लिए। बोर्डिंग पास और वेब चेक इन दोनों एक ही होता है। वेब चेक इन का मतलब ये होता है बोर्डिंग पास बनाना, ठीक है। तो आप इजीली आप अपना मोबाइल फ़ोन से, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस देकर आप वेब चेक इन बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर दिया हूँ, अपना ईमेल आईडी भी फिल कर दिया हूँ, इसके बाद मैं अपना डेस्टिनेशन जो एड्रेस है वो अपना डेस्टिनेशन एड्रेस फिल कर रहा हूँ, ठीक है। और डेस्टिनेशन एड्रेस फिल करने के बाद आपको डेस्टिनेशन पिन भी फिल करना पड़ता है। इसके बाद आपको COVID-19 वाला जो आपका, जैसे अगर आप पॉजिटिव है तो आप आई एम नॉट COVID-19 पॉजिटिव पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव थे, आप ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, तो आप उस पर क्लिक करके आप आई एग्री पे क्लिक करके, जैसे कि आप नीचे में ऑप्शन देख रहे हैं, मैं आई डिक्लेयर एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर चुका हूँ। क्लिक करते जैसे कि आप देख रहे हैं कि मतलब आपको इसमें शो हो रहा है कि आपका जो बोर्डिंग पास का जो भी डिटेल्स है आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, या अगर आप यहीं से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेव पीडीएफ पर क्लिक कर चुका हूं। सेव पीडीएफ पर क्लिक करते ही हमारा जो बोर्डिंग पास है वो मतलब डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपको शो भी करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6E5064 गेट नंबर 14 बोर्डिंग टाइम बोर्डिंग जोन। इसके बाद आप अपना सीट नंबर भी इसमें आप बोर्डिंग पास में दे सकते हैं और क्यूआर कोड भी दे सकते हैं। इसी क्यूआर कोड को आप वहाँ एयरपोर्ट पे जाके स्कैनिंग करके आप चेक इन कर सकते हैं। सो आई होप कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से समझ सके होंगे बोर्डिंग पास कैसे डाउनलोड किया जाता है। बोर्डिंग पास डाउनलोडिंग करना बहुत ही ईजी होता है, ये सिंपल प्रोसेस में, बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि आप सभी को हमारा जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।